और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से प्रतिक्रिया आई माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर। उन्होंने लिखा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम यह बता रहे हैं कि भारत की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ सुशासन और विकास की राजनीति में है। उनका भरोसा भारतीय जनता पार्टी में है। भाजपा पर अपना स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद बरसाने के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट, ये माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और अब ये प्रतिक्रियाओं का दौर आगे जारी रहेगा। आपसे कुछ ही देर में ऋतु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली कार्यालय भी पहुंचने वाले हैं, जहां जश्न कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहां पर खुशी का माहौल, जश्न की तस्वीरें अलग ही नजर आएंगे, खुशी से लबरेज सारे कार्यकर्ता नेता दिग्गज जो वहां पर पहुंचेंगे वो नजर आएंगे। और लगातार ये अपडेट्स तो हम आप तो आपको पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन रिजु अभी तक जो अपडेट्स हमने दिए दर्शकों को उन्हें देखकर हम भी चौंक गए हैं। बड़े बड़े चेहरे हार गए, टीएस सिंहदेव चुनाव हार गए, जीतू पटवारी चुनाव हार गए और फग्गन सिंह कुलस्ते जैसा चेहरा जो कि केंद्र में मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालना था वो भी चुनाव हार गए। अपडेट्स का सिलसिला लगातार यहां जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक ऋतु हमें यहां पर लेना होगा। की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। बड़ी खबर, पाटन से सीएम भूपेश बघेल आगे हैं, जीत की ओर है वो। रामपुर से ननकीराम कंवर पीछे चल रहे हैं। दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू भी पीछे चल रहे हैं। ये एक बड़े फैक्टर हैं जो और हिंदी बेल्ट में एक बार फिर लहराया है भगवा परचम। और ये देखिए यहाँ पर आ गए हैं प्रधानमंत्री मोदी हाथ हिलाते हुए, ग्राफिक्स के जरिए ये दिखा रहा है किस तरह से भगवा परचम एक बार फिर लहराया है। तो चुनाव मतलब न्यूज 18 और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं 8:03 पर हमने आपको दिखाया था पहला रुझान और जैसे ही पहला नतीजा सामने आया वो हमने आपको सबसे पहले दिखाया और आखिरी नतीजे तक ये मेगा कवरेज लगातार जारी रहेगी। सुमित, बिल्कुल लगातार कवरेज जारी है जब तक कि आखिरी नतीजा नहीं आ जाता। सबसे पहले 8:03 पर हमने पहला रुझान दिखाया और सबसे पहले ही पहला रिजल्ट दिखाया। 10 बड़ी बातें मध्य प्रदेश मतगणना की, 10 बड़ी बातें। बुधनी से सीएम शिवराज सिंह चौहान भारी मतों से जीते। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत की ओर है, 166 सीट पर बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है। बुधनी से सीएम शिवराज सिंह चौहान जीते, दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर ने जीत हासिल की, बुरहानपुर से जीती है अर्चना चिटनिस, ये मतगणना की बड़ी बातें। होशंगाबाद से सीता शरण शर्मा ने जीत हासिल की है, छिंदवाड़ा से कमलनाथ जीत चुके हैं। बिल्कुल पीसीसी अध्यक्ष, बैतूल जिले के सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा। पन्ना से मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह भी जीत चुके हैं। कांग्रेस के कई दिग्गज चुनाव हारे हैं, ये एक बड़ा फैक्टर, छत्तीसगढ़ की 10 बातें। छत्तीसगढ़ में 54 सीटों पर बीजेपी की बढ़त है, प्रचंड बहुमत की ओर छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी है। अपना सीतापुर से मंत्री अमरजीत भगत हारे हैं, कोंडागांव से मोहन मरकाम हारे। देखिए बड़े चेहरों ने यहां पर हार हासिल की है, राजनांदगांव से लेकिन डॉक्टर अमन सिंह को मिली है जीत। बिलहासल धर्मलाल कौशिक आगे हैं। बिल्कुल, और अंबिकापुर से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पीछे चल रहे हैं। बहुत बड़ी खबर, पाटन से सीएम भूपेश बघेल आगे हैं, जीत की ओर है वो। रामपुर से ननकीराम कंवर पीछे चल रहे हैं। दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू भी पीछे चल रहे हैं। ये एक बड़े फैक्टर हैं जो और हिंदी बेल्ट में एक बार फिर लहराया है भगवा परचम। और ये देखिए यहाँ पर आ गए हैं प्रधानमंत्री मोदी हाथ हिलाते हुए, ग्राफिक्स के जरिए ये दिखा रहा है किस तरह से भगवा परचम एक बार फिर लहराया है। तो चुनाव मतलब न्यूज 18 और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं 8:03 पर हमने आपको दिखाया था।